सो गाइस वेलकम बैक। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं दिमाग को एकदम मरोड़ देने वाले माइनक्राफ्ट इल्यूजंस और देखने वाले हैं कि कौन सा है इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और अपने दिमाग का कचुंबर बना देने वाला। तो जानना है अगर आपको ये सब तो देखो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। और राइट, तो गाइस आ गए हम लोग यहाँ पर और अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहला वाला इल्यूजन। तो देखो ये रहा और यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर हो जाता हूँ। अब बताओ भाई क्या है, फटाफट से कमेंट करो 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 करो। और एक सेकेंड, अब मैं दिखाता हूँ इसको यहाँ से और ये देखो आपको गाइस पक्का आपको लगा होगा कि ये एकदम बॉक्स है, बट ये तो बीकन के नीचे वाली शेप निकली, ये ना खतरनाक। एंड गाइस ये तो हमारे इल्यूजंस का बस एक ट्रेलर था, अभी आगे देखते जाओ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और राइट, तो गाइस अभी मैं यहाँ पर एक और इल्यूजन बना रहा हूँ और इसके बाद हम लोग इन्वाइट करने वाले हैं अमन को और उसको दिखाएंगे भाई सारे इल्यूजंस और देखेंगे भाई वो पूरा पागल होता है कि नहीं, मतलब उसका दिमाग ना बिल्कुल हिला दूंगा मैं, ऐसा इल्यूजन बनाऊंगा। तो ये भी मैं अभी बना ही रहा हूँ, ये अभी वर्किंग में है, तो अभी इसको फटाफट से यार हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर उसको बुलाते हैं हम लोग इस गेम में। हेलो अमन भाई, कैसे हो? वैसे नूब हो मुझे पता है। सॉरी भाई हम नहीं करेंगे। तो अमन अब देख मैं तुझे दिखाता हूँ हमारा पहला वाला इल्यूजन। तो देख दिल थाम के रखना और आंख जेब में रखना, अब दिखाता हूँ। देखो ऊपर आ भाई मेरे साथ, ऊपर आ जा फटाफट से। और गाइस आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि ये कैसा इल्यूजन है, क्या चीज़ है ये, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो मैं समझाता हूँ ना, अभी आप लोग ये ब्लैक वाले बॉक्स है ना इनको देखो, इस पर आप फोकस करके रखो थोड़ी सी देर। कर रहा हूँ ना कि मैं बड़बड़ाए जा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहे हो ठीक है। अब देख लिया आपने, और अब जो लाइन दिख रही है ना ये वाइट वाइट, यहाँ पर आपको हल्के हल्के से ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप उन ब्लैक स्पॉट्स को एकदम ध्यान से देखना चाहोगे तो वो एकदम गायब हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ ना आपके साथ, ये देखो फिर से देखो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, हल्के हल्के से सर्कल दिख रहे हैं लाइन के बीच में। अबे ओए नीचे देख, यहाँ पर हल्के हल्के से सर्कल दिख रहे हैं लाइन के बीच में। अबे यार ये कछुआ कहाँ से आ गया, रुक जा इसको एक मिनट भगा के आने दो। यहाँ पर फुटेज चल रही है क्या भाई, कैमरा शूटिंग चल रही है, सब आ जाओ यहाँ पर। भगा दिए गाइस। एंड अभी मैं खुद यहाँ पर फोकस करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे सर्कल दिख रहे हैं लाइन के बीच में हल्के हल्के से, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ तो वो एकदम गायब हो जा रहे हैं भाई। ओहो ओ भाई साहब खतरनाक है यार, मतलब यार दिख भी रहे हैं और फिर नहीं भी दिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो गाइस क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है जैसा मैंने बताया था? तो भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताओ। अरे भाई आजा अमन, तुझे उधर ले चलूं चांद को उसकी, नहीं नहीं सॉरी टिकटॉकर वाली हरकतें नहीं करनी है। यहाँ पर देख अमन, यहाँ पर आके खड़े हो जा, बस तू एक बार खड़े हो जा। और अब तुझे क्या लग रहा है, मतलब देख के बता कि क्या लग रहा है तुझे? एकदम नॉर्मल लग रहा है हमेशा की तरह, माइनक्राफ्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, एकदम नॉर्मल है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, बट इसके पीछे अलग ही चीज है भाई। ये देख यहाँ पर कुछ भी जुड़ा नहीं हो और ये एकदम नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि वहां से देखने पर लग रहा था कि सारी चीजें जुड़ी हैं और एकदम मस्त वाली लाइन बनी हुई है, बट यहाँ पर आप लोग एक बार देखो भाई भाई। तो भाई अमन को देखो मैंने अभी यहाँ पर लेकर आ रहे हो, और यहाँ पर आप लोग खुद भी देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, ठीक है इधर से बिल्कुल 5 दिख रहा है। एंड अब इधर आ भाई, इधर आना कहाँ जा रहा है मेरे भैया, इधर आ, यहाँ से देखेंगे तो ये दिख रहा है 1। ओह भाई मतलब उधर से 5 तो इधर से 1 दिख रहा था। एंड अगर हम लोग इधर से चल के देखें दूसरी तरफ तो क्या, ओ ओ भाई ये 2 दिख रहा है यहाँ से, मतलब एक जगह से 5, दूसरी जगह से 1 और तीसरी जगह से 2। ओह भाई साहब क्या इल्यूजन है, और अमन का दिमाग शायद से पगला रहा है, ये देखो। एंड यहाँ पर उसने क्या लिखा है भाई, ये क्या था भाई, ऐसे इल्यूजन आने वाले हैं, तू देखते जा बस यार। अरे ओ भाई थोड़ी देर के बाद अमन यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ जा रहा है? ओ हेलो ब्रो, भाई वहाँ पर पानी में क्यों जा रहा है? ओ भाई साहब मरेगा क्या, वैसे क्रिएटिव में मरेंगे तो नहीं, बट वहाँ पर क्यों जा रहा है भाई? अभी इसको पानी से बाहर निकाला और यहाँ पर इसने क्या लिखा, भैया दिमाग शांत करने, भाई पागल हो गया क्या, इतना दिमाग शांत करने चल दिया। एंड अभी देख तू आजा बस मेरे पीछे आ, तू यहाँ से नीचे आ जा भाई। और ये देख वो, ये क्या चीज़ है, ये फर्नेस है क्या? फर्नेस तो है बट ये किस तरीके से बनी है? ओ ऐसा लग रहा है कि हम फर्नेस को नहीं, फर्नेस हमको देख रही है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड जाता हूँ, ओ ओ ये देखो फर्नेस हमको देख रही है भाई, हम फर्नेस को नहीं देख रहे हैं। ये क्या है यार, मेरा दिमाग अब घूमने लगा है, थोड़ा थोड़ा घूमने लगा है भाई। और अमन अभी उसको कैसे देख रहे हैं, देखो उसको देखो भाई, भाई देख रहे हो, उसका दिमाग शायद से मेरे ख्याल से पागल हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा, उसको कुछ समझ नहीं बैठ रहा है। और ये देखो, और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर, ओ भाई डिस्पेंसर भी किस तरीके से बनाया, एक मिनट इसको बनाना मैं शायद से सीख रहा हूँ, मुझे पहले इसको बनाने के लिए क्या चाहिए यार, यहाँ से कहाँ गया भाई डिस्पेंसर, कहाँ मिलता है यार, ये रहा डिस्पेंसर, इसको बनाते कैसे हैं। लेकिन ये यहाँ पर पहले तो एक डिस्पेंसर वैसा रखा हुआ था, मैं वैसे ही रख के देखता हूँ यार होता है कि नहीं वैसे। तो यहाँ से पहले तो एक प्लैंक लगा दो, और यहाँ पर रखा था, सॉरी ये गलत लग गया, यहाँ पर ऐसा, और फिर ये वाला, अरे यार ऐसा नहीं लगा था यहाँ से, हाँ अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ ऐसा ही था ऐसा ही था। और एक डिस्पेंसर शायद से उन्होंने ऊपर से रखा हुआ था, किसने ये रखा, ये। एंड अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और ये ओ भाई मैंने भी बना लिया यार, ये मस्त बना लिया ना मैंने भी। वेट भाई क्राफ्टिंग टेबल देखो कितना ज्यादा लार्ज है, ओ
भाई बहुत ही ज्यादा। अमन भाई देख यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा क्राफ्टिंग टेबल है यार, ये नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार भाई। अमन भाई बता क्या तुझे भी ये बड़ा लग रहा है? ये देखो भाई, अमन भी गर्दन हिला रहा है, इसको भी लार्ज लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। नीचे चल कर देखते हैं नीचे, और ये देखो भाई साहब कितना ज्यादा सही था। बट यार ये नॉर्मल साइज का, लेकिन हमको वहां से देखने पर लार्ज लग रहा था और यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल। वाओ भाई ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और पसंद आ रहे हो तो भैया लाइक करो ना यार, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। आप लोग आजकल बहुत कम लाइक कर रहे हो, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो लाइक ही नहीं करोगे क्या यार? फटाफट लाइक करो भाई यार। ये क्या कर रहा है भाई? इस बंदे को देखो, ये खेव में क्या कर रहा है भाई? बाहर आना यार, वहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर है, यहाँ पर खड़े, एक बार तू खड़। और मैं भी यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर क्या है भाई? एकदम देखो, एकदम नॉर्मल है, ठीक है, मुझे भी नॉर्मल ही लग रहा है। एक मिनट बाहर जाकर देखते हैं, कुछ तो लोचा है, कुछ तो वो, कुछ तो गड़बड़ है भाई। कितना ज्यादा वियर्ड है यार, एकदम कंफ्यूज कर दिया भाई। इस बार तो मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ, ये कितना ज्यादा वियर्ड है। एकदम वहां से जुड़ा हुआ था, बट ये एकदम वो भाई साहब यार। एडा मुझे लग रहा है कि गाइस मेरा माइंड भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर दुखने लगा है। और ये क्या चीज है? वेट भाई, ग्लास है, TNT है, टारगेट ब्लॉक्स भाई, व्हाट द भाई, क्या यार खतरनाक सी चीज है। और अमन तू भाई क्या कर रहा है? उसमें घुस जा यार एकदम, मुझे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए ना भाई। इसके सभी तू ही देखेगा क्या? एक मिनट, ये ऊपर क्यों जा रहा है? नीचे आ यहाँ पर। ये कौन सा नया ब्लॉक आ गया यार ये? एक मिनट यार, इसके पीछे चल के देखेगा, मेरा मन कर रहा है इसके पीछे चलते हैं। यहाँ से तोड़ो इसको। और यहाँ पर क्या है? वेट, इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत लगी यार। यहाँ पर देखो कितने सारे टारगेट ब्लॉक्स लगे हुए हैं, वो, और एक TNT भी है। अगर अच्छा, ये टारगेट ब्लॉक के यहाँ पर एक TNT लगा है और यहाँ पर एक ग्लास। एंड अगर हम लोग यहाँ से देखते तो ऐसा लगा है कि कोई सा नया ब्लॉक इन्वेंट हो चुका है भाई। हाँ तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा दो, जो लोग चैनल पर नए भाई सब्सक्राइब बटन दबाओ। हम लोग यार 250K के बहुत ज्यादा क्लोज यार, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही हो पाएगा, तो करो। और यहाँ पर क्या चीज है? ओ इतने सारे रेमबो जैसी ब्लॉक्स, कितनी सही टनल लग रही है। एक मिनट इसके अंदर चलो। ओ भाई साहब क्या ही रंग बिरंगी दुनिया है यार ये, और कितनी ज्यादा परफेक्ट बनाई है। ओ भाई क्या यार रेमबो वाली शेप में बनी हुई कतई यहाँ पर। और अमन यहाँ पर आ जा भाई। भाई मेरा मन भी कर रहा है ऐसी चीज में अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाऊं, बट यार उसके लिए सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे, तो करेंगे। और गाइस कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती कि नहीं, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना पाऊं। और अगर आप लोग लाइक करोगे तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, और कमेंट करोगे तो करो फटाफट से। और चैनल पर जो लोग नए भाई सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि हम लोग 250K के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो दबाओ यार। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे किसी मजा वाली वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय।